जय हिंद दोस्तों। 10 से ज़्यादा दिन चले फिलिस्तीन और इसराइल के बीच के युद्ध पर कल युद्ध विराम लग गया, और युद्ध विराम के बाद से ही कई सारी बातें हैं जो कि अब निकल कर सामने आने लगी हैं। एक तरफ जहां गाजा पट्टी में लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि इसराइल ने अपनी हार मान ली, वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब सोचना एक नादानी की तरह है। भारत में भी लोग दो धड़ों में बैठे हुए हैं। जब तक ये युद्ध चलता रहा तब तक लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ इस चीज़ के ऊपर देते रहे। अलग अलग तरीके से हमने देखा कि कितने सारे लोग इसराइल के साथ खड़े हैं और वहीं लोग फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हुए हैं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनी यदीदी अकलेन ने कहा कि हमारी ओर से पिछले 11 दिनों से चल रहे खूनी संघर्ष का अंत हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमास की ओर से भी किसी भी तरह की फायरिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत तय करेगी कि मिस्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम कैसे होगा। अब इसको लेकर कई लोग हैं जो इसको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर ये युद्ध की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक रोनी यदीदी अकलेन ने कहा कि इस मामले में जब हमने भारतीय समकक्षों के साथ बात की तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आई। भले ही भारत ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर हमारा समर्थन नहीं किया, लेकिन उनका साथ हमेशा हमें मिलता रहा। अकलेन ने कहा कि हमने जब भारतीय अधिकारियों को इसराइल की कार्रवाई के बारे में बताया तो वे इस मुद्दे पर पूरी एक समझ देखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि हमास पर कार्रवाई के दौरान इसराइल दूतावास लगातार भारत और अपने समकक्षों के संपर्क में रहा। रोनी यदीदी अकलेन ने कहा कि जब कभी भी कोई बड़ी परेशानी आती है तो हम अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यही कारण है कि हमारे साथ हमास के साथ जंग में भी भारत लगातार हमारे साथ खड़ा रहा, और भारत के विदेश मंत्रालय के साथ हम लगातार संपर्क में भी रहे। वे बहुत समझदार हैं और हम एक साथ काम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति की तरफ से दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया, जिसमें तनाव को तत्काल कम करने का आग्रह किया गया था। हमास के साथ सीज़फायर के बाद इजरायली दूतावास की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया कि हमास के हमलों के बाद जिस तरह से हमें अपने दोस्तों का समर्थन मिल रहा है, हम उसके आभारी हैं। आत्मरक्षा के हक का समर्थन करने के लिए हम सभी आपका आभार प्रकट करते हैं। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और इजरायली दूतावास ने हिंदी में धन्यवाद लिखकर ट्वीट भी किया। अब इस खबर के सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कई लोगों की जल जाएगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन में तो आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर बोल रहे थे कि इसराइल गलत कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी चाइना में हो रहे उइगर मुसलमानों के शोषण के ऊपर कुछ नहीं कहा। अब भगवान ही मालिक है इन लोगों का, क्योंकि समझ इनमें पता नहीं कब आएगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।